चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले तो सॉरी आप सबसे बोलता हूँ बेटा, काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, मैं उससे उभर ही नहीं पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट मैं कब तो अंत तक क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए बेटा, अभी भी एडमिशन पार्टनर चल रहा है और एडमिशन और पार्टनर का हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो बेस ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन पार्टनर को मैं जो ये स्टार्ट किया था टॉपिक वो था रेशियो बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उससे बेटा 20 क्वेश्चन हो चुका है, मतलब पार्ट 20 और काफी अच्छा है, ठीक है। उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बुक से भी ज्यादा दे रखा है और सॉल्यूशन के साथ है। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, जिस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या नाम है बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इससे पहले था वेरिएशन ऑफ गुडविल, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। वेरिएशन ऑफ गुडविल काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको करके देखिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज ट्रीटमेंट गुडविल ये बताने बेटा कि ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे गुडविल का मतलब ये हुआ बेटा कि जो न्यू पार्टनर्स है, ठीक है, जब पार्टनर के साथ फर्म है वो क्या बनना चाह रहा है, पार्टनर बनना चाह रहा है, तो वो अपना कैपिटल तो लाएगा लाएगा, नो डाउट, ठीक ना। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर, जो पहले से पार्टनर्स हैं और वो जो काम कर रहे हैं, उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला। न्यू पार्टनर आए और उनको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको आराम से मिल जाएगा। उसके लिए तो उसने कुछ सेक्रीफाइस तो नहीं करना, बस कैपिटल डाला। गुडविल का तो बेनिफिट हुआ ना कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे कि फर्म की गुडविल कितना होता है, फर्म की गुडविल कितना, तो वो निकालेंगे बेटा, ठीक है। और फिर उसका वो शेयर वो लेकर के आएगा, मतलब वो दो चीज लेकर के आएगा, कैपिटल भी मिलाएगा और गुडविल का अमाउंट मिलाएगा अपने शेयर के बराबर, अपने शेयर के बराबर। बेटा उसी का हमें ट्रीटमेंट करना है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये बात नहीं। क्योंकि जो गुडविल का शेयर लाएगा न्यू पार्टनर, वो उस पार्टनर को देंगे जो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस की जिस स्टेज में सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज ए और सॉरी ए एम बी बेटा क्या ओल्ड पार्टनर्स है और जिनकी रेशियो है सिक्स इशू फोर कर देता हूं, सिक्स इशू फोर, ये ऑल रेशियो बेटा, ठीक है। ये बात नहीं, इसको थ्री टू टू भी हम कर सकते हैं और वही सही है, सही वही है। लेकिन मैं सिक्स इशू फोर में कुछ रीजन से क्या हुआ, अभी रीजन आपको पता चलेगा क्यों किया, राइट है। और एक सी पार्टनर आ गया, अब पार्टनर हो गया ए बी एंड सी, और उसकी रेशियो जो है 5:3:2, ठीक बेटा। यदि इसका टोटल 10 है, ऐसा भी टोटल 10 है, राइट है, तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक बेटा, आराम से बता सकते हैं क्योंकि कौन से पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और किस पार्टनर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, बहुत ही क्या कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। कि जैसे देखिए पहले जो कुछ भी प्रॉफिट होगा कि ना उनका 6 उनको मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा 5 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो एक का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसमें इसका भी देखिए पहले 4 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 3। यहाँ भी क्या कर रहा है, ये एक से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पे जो सीप है पहले तो था ही नहीं है, तो जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसको मिलता था, एओबी को। लेकिन सीप आने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा क्या होगा, उस न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट है बेटा। तो इसको क्या देगा, पहले कुछ भी नहीं होता था, इनको क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब इनको क्या 2 का क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। बहुत आसानी से बहुत क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो आपने निकाल दिया। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने से पहले ना ये सिचुएशन, ये इजी मेथड तभी क्या बोल सकते हैं,
कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जब इन सब का टोटल दोनों क्या हो, इक्वल हो। यदि इक्वल नहीं होगा तो किसी और मेथड से हम क्या क्या करें बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आप समझ लीजिए फर्म की जो गुडविल है, मान के चलिए जो फर्म की गुडविल है फर्म की जो गुडविल है मान लीजिए रुपीज कितनी बेटा, 3 लाख है। कितना है? 3 लाख है। ये बात नहीं बेटा, फर्म की गुडविल है, राइट है। आप देखते हैं कि इसमें कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर, सी शेयर इन गुडविल कितना बेटा, 3 लाख इंटू 2/10 2/10 कितना बेटा, 60,000। क्या बेटा, 60,000। तो 60,000 उसको क्या मिला है, बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर बेटा, अब हम जानी है कि अब इसको कितना मिलेगा, तो उस पार्टनर्स को उतना ही मिलेगा जो पार्टनर जितना क्या कर बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। आप बुक में देखिएगा या जो स्टूडेंट पढ़ते हैं कि वो हमेशा या जो भी होगा बेटा ये बोलते हैं कि आप और पार्टनर्स को क्या कर दो, सेक्रीफाइस करो, ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो गुडविल का अमाउंट। लेकिन बेटा कुछ हद तक तो सही, 100% सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गेन हो जाता है। तो उस पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर्स को, इवन विदाउट ही द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? तो सही होगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, गेनिंग करेंगे, ये क्रेडिट करेंगे, और गेनिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये बोलना ज्यादा सही रहेगा, 100% सही रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं सकता है। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए, ऐसे बोलने से क्या कुछ हद तक गलत हो सकता है, यदि उसमें से किसी पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है तब। क्लियर है? तो मैं हमेशा ओल्ड पार्टनर से लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करूंगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा, यही मैं बोलूंगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यदि इसको अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मान के चलिए ठीक बेटा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको, यदि देखिएगा मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, वो ध्यान देखते हैं। देखिए पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपका 3 लाख को, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ए बी और सी, जो ये अमाउंट है बेटा, ये जो रुपीज 3 लाख है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी और सी में, और सी से पहले जो रेशियो था और रेशियो में उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 10 तो 6×22 120,000 है, और आपका 30 है ना और 6 है 180,000 का बेटा, 180 ओवर, ठीक है, इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन इन 64 इसमें, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 1,80,000 इससे मिलेगा और रेशियो में, और 6×24 120,000 इसको मिलेगा।
और देखिए फिर 3 लाख को न्यू रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन इन 5:3:2 10 हो गया, तो 10 को 3,35,000 कितना रहे बेटा 1,50,000 राइट। और 6,90 यहाँ पे कितना बेटा 90,000 और 32,60,000 ये बात नहीं। देखिए जिसने कितना सेक्रीफाइस किया 30,000 का सेक्रीफाइस किया, ये 30,000 का सेक्रीफाइस किया बेटा, ये सेक्रीफाइस किया, ये भी 30,000 का सेक्रीफाइस किया और इनको गेन हो गया कितने से बेटा 60,000 से, ये बात नहीं। तो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो इस न्यू पार्टनर को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, ये बात नहीं बेटा। तो जो सेक्रीफाइस किया उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, जितने अमाउंट से सेक्रीफाइस किया, ये बात नहीं बेटा। आप क्वेश्चन ये होता है कि सर ये तो हो गया, ये समझाने वाली बात, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब बुक में कैसे लिखेंगे बेटा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिखने के अलग अलग तरीके हैं बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। देखिए आप जनरल चीज इन बुक्स ऑफ द फर्म, इसे दिखाने के दो तरीके होते हैं बेटा, आपको समझा देता हूँ, ठीक ना। ये हमारा क्या बैलेंस शीट है बेटा, बैलेंस शीट में पहले से क्या गुडविल है, पहले से क्या होता है गुडविल है, ओल्ड ओल्ड बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब बेटा, चलो मैं कुछ ठीक से लिख देता हूं, बैलेंस शीट बिफोर न्यू पार्टनर, ठीक बेटा। यहां पे जो गुडविल है, जो गुडविल है ये सपोज 2 लाख है, ठीक बेटा, कितना बेटा 2 लाख है, क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो हम इसका दो प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, इस टाइप के गुडविल को क्या बोलते हैं, बुक गुडविल बोलते हैं या रिकॉर्डेड गुडविल बोलते हैं, क्या है। अब देखो दिखाने का दो तरीका होता है, बुक गुडविल गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब बुक्स हटाना चाह रहे हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ,
गुडविल रिटर्न ऑफ। टोटल ये क्या है, न्यू पार्टनर्स के आने से पहले का है, गुडविल रिटर्न ऑफ की जो बात हो रही है। तो न्यू पार्टनर आने से पहले से मतलब क्या हुआ, गैली रेशियो होगा ना से कैसी रेशियो, मतलब एक ही रेशियो होगा ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या कर देंगे रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो इधर जो लिखा है गुडविल, ये क्या एसेट्स का बैलेंस है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, क्लियर। हमें से क्या करना है रिटर्न ऑफ करना है, तो इसको क्या करेंगे गुडविल को क्लिक कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे इन दियर ओल्ड रेशियो में। देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ, देखिए कैपिटल अकाउंट ये ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर ओल्ड रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो क्या आपका 6:4 है, तो 10 है, 10 से डिवाइड 20 हो गया, 20 × 6 कितना का 120 बस फिर हाँ ठीक है, तो ये कितना जो है 120 हो जाएगा। फिर 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर कितना बेटा 18,000 ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इससे क्या ओल्ड रेशियो होगा क्योंकि न्यू पार्ट्स आने से पहले बोल रहे हैं बीइंग गुड बी रिटर्न ऑफ, मैं नर्सरी नहीं लिख रहा बेटा ठीक है। तो गुडविल गुडविल अकाउंट ठीक बेटा, हमने कह दिया रिटर्न ऑफ कर दिया और रेशियो में, क्लियर है। अब जो शेयर है, शेयर वो क्या न्यू पार्टनर्स लाएगा, उससे भी कई तरीके हैं न्यू पार्टनर्स लाएगा बेटा, कैश भी ला सकता है, थोड़ा भी ला सकता है, पूरा नहीं भी ला सकता है, जैसे जैसे क्वेश्चन का उसके हिसाब से करेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा गुडविल का अमाउंट क्या ला रहा है, कैश में ला रहा है, तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करें। अभी मैं सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता रहा था, देखिए इफ गुडविल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश, इफ गुडविल अमाउंट इफ इफ गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर इन कैश, ठीक बेटा। तो जो चीज ज्यादा में लाते हैं उसको गुडविल बोलते हैं, ठीक है, या दूसरी क्या बोलते हैं प्रीमियम बोलते हैं, ठीक बेटा। जो चीज ज्यादा में हम देख लेते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए समझ, जैसे एग्जाम्पल समस्या है, समस्या बता देखो 10 का मिलता है, 15 का मिलता है, 20 का मिलता है, ठीक है ना। लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, गुडविल पे, क्वालिटी पे, क्लियर है। तो जो चीज हम ज्यादा पैसा देकर के लेते हैं, जितना ज्यादा पैसा उसको हम क्या बोलते हैं प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते बेटा प्रीमियम। देखिए सी एन टी क्या होगी, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा, जितने से वो ला रहा है 40 से नहीं 60 है, सॉरी बेटा 60 है, ठीक बेटा। बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश, बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट
brought in by new partner partner in cash. बेटा देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर हमने लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि हर क्वेश्चन में पार्टनर का नाम क्यों अलग होगा। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सी है, हमने सी ने लिखा है, लेकिन आप लोग तो सी लिखेंगे जब एग्जाम में लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, जैसे यहाँ पे सी लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन में राम आ गया श्याम हो गया, तो इसलिए मैंने न्यू पार्टनर लिख दिया समझने के लिए। अब क्या करेंगे, ये प्रीमियम मनी जो है जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस किया उस पार्ट को से क्या कर देंगे, किट कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, रेशियो से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, दोनों से क्या होगा सेम आएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूट करें, गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बेटा। लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू एज जो चीज सेशन क्या है सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे इक्वल इक्वल है 30,000 30,000, ठीक बेटा। बीइंग बीइंग गुडविल ये कंप्लीट हो गया बेटा, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक बेटा। ये कंप्लीट क्वेश्चन का क्या आंसर है, मतलब ट्रीटमेंट करके ये क्लियर हो गया। दूसरा देखा कि जब हम गुडविल को क्या करते हैं, रिटर्न अपनी करते हैं, 2 लाख का 2 लाख रहना चाहते हैं, गुडविल बुक में जितनी है उतना ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो आपको पार्ट 22 में नेक्स्ट क्लास में मोस्ट वेलकम बता दूंगा, ठीक बेटा। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक बेटा। तो जो भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था काफी डिटेल दे रहा हूँ, जितना बुक में भी नहीं है, बेटा आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप ईमेल भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।